चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी जी ध्यान करने में बिजी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जो उनकी थकावट थी वो उसे दूर करने गए। दरअसल इस बार के चुनाव में विपक्ष ने उन्हें खूब परेशान किया। इस वजह से मोदी जी को इतना सिरदर्द हुआ कि वो सीधे ध्यान करने पहुंच गए। चलिए, ये तो मोदी जी की व्यक्तिगत बात है, इतनी सिरदर्दी और फजीहतों के बाद आराम तो बनता है, लेकिन मीडिया का क्या? मीडिया भी उनके पीछे पीछे हो लिया। मोदी जी ध्यान करने में बिजी हैं तो मीडिया उनके कवरेज में बिजी है। मीडिया मोदी जी के ध्यान की सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उनके तमाम भक्तों तक पहुंचा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई, लेकिन मीडिया ने उसे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। खबर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी थी, वही प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटा और लौटते ही आज सुबह उसे बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन तमाम बड़े बड़े चैनलों पर आज मोदी जी का ध्यान चल रहा है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि क्या प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे कि इसके लिए प्रचार किया? अब चूंकि सारे कैमरे ध्यान केंद्र चले गए होंगे, इसीलिए प्रज्वल को दिल्ली लाना चाहिए ताकि दिल्ली में गोदी चैनलों के मालिकों से ही कवरेज करवाया जा सके। सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस मीडिया को प्रज्वल पर सवाल पूछने चाहिए वो अलग ही धुन में लगा है। पीएम मोदी ने किया सूर्य नमस्कार, अब आगे क्या करेंगे? इस तरीके की कवरेज की जा रही है, पीएम मोदी की भक्ति और उनके ध्यान पर स्पेशल कवरेज भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच प्रज्वल की खबरों को दबा दिया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लगभग एक दशक के बाद सूखा समाप्त किया और भर भर कर इंटरव्यू दिए। टीवी से लेकर प्रिंट मीडिया तक मोदी जी छाए रहे। लेकिन मजाल हो किसी का कि प्रज्वल के ऊपर उनसे सवाल पूछा जाए? इसी मामले पर कुछ दिनों पहले आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि ऐसे कैसे 80 इंटरव्यू हो गए प्रधानमंत्री के कि किसी में भी एक भी सवाल मणिपुर पर नहीं पूछा गया, प्रज्वल रेवन्ना का उल्लेख भी नहीं हुआ। नौकरी रोजगार की बदतरीन स्थिति और 10 साल के जुठलाए वादों पर नहीं घेरा गया। सब जानते हैं ये सब इंटरव्यू नहीं, मैनेज किया हुआ चुनाव प्रचार था। वाकई में पीएम मोदी का मीडिया मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि मोदी जी जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया उन पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगी, उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। खैर, इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने मीडिया को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया है कि मीडिया के लोग सवाल पूछना ही भूल गए। बाकी जो बचे खुचे हैं जिन्हें सवाल पूछना आता था, उनकी जबान को ही खामोश कर दिया गया ताकि वो सवाल ही ना पूछ सके। तभी तो प्रज्वल के ऊपर गंभीर सवाल नहीं उठाए गए। वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके ऊपर हजारों महिलाओं के साथ दरिंदगी करने का आरोप है। हालांकि फिर भी कुछ पत्रकारों ने हिम्मत करके जब मोदी जी से पूछा तो मोदी जी सीधे मुकर गए और उन्होंने दोष कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। जब मोदी से हजारों महिलाओं से दरिंदगी के आरोपी प्रज्वल को लेकर मोदी जी से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि 2900, 3000 या 5000 जो भी हो, ये एक दिन में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब तब का है जब वो उनके यानी कि कांग्रेस सरकार के भागीदारी थे। मोदी जी जो खुद प्रज्वल के साथ कई मौकों पर नजर आए, वो भी इससे बचते नजर आए। आप इन तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि पीएम मोदी और प्रज्वल रेवन्ना कैसे एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में खुद पीएम मोदी उनके साथ नजर आ रहे हैं और आरोप सीधा कांग्रेस के ऊपर। खैर, प्रज्वल अब गिरफ्तार हो गया है और उसे गिरफ्तार भी कर्नाटक की ही कांग्रेस सरकार ने करवाया और इसके लिए सोशल मीडिया पर भी उसे काफी बधाई दी गई। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि आखिरकार मास रेपिस्ट और मोदी जी के परिवार का सदस्य प्रज्वल रेवन्ना कानून के शिकंजे में आ ही गया। मुझे कर्नाटक पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है कि कर्नाटक की हमारी हर एक बहन को न सिर्फ न्याय मिलेगा और बल्कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर एक नजीर पेश की जाएगी। खैर, प्रज्वल अब कर्नाटक पुलिस की गिरफ्त में है और एसआईटी इस मामले में उससे तफ्तीश कर रही है। एसआईटी आगे की जांच के लिए आरोपियों और पीड़ितों के सेल फोन टावर लोकेशन की जानकारी जैसे तकनीकी डेटा का इस्तेमाल कर रही है। वहीं करीब एक दर्जन से अधिक गवाहों के बयान भी इकट्ठा किए गए हैं।
रजवल की गिरफ्तारी के बाद उनकी आवाज के और डीएनए के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। आवाज के सैंपल से पता लगाया जाएगा कि वायरल वीडियोस में आ रही आवाज प्रज्वल की ही है या नहीं। देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दें।